हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशांत और आप देख रहे हैं मास्टर कंप्यूटर्स इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। टॉपिक चल रहा है टैली का। टैली में रिमेनिंग टॉपिक मैं आपके लिए बता रहा हूं, और जो नए सिरे से इस वीडियो को देख रहे हैं, मतलब पहली बार देख रहे हैं टैली की कोई भी वीडियो, तो वो शुरुआत से देख सकते हैं। लिस्ट क्रिएट है और अदर लिंक भी आपको मिल जाएंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं इनकम और एक्सपेंसेस की। देखिए फ्रेंड्स, जो भी कंपनी हम क्रिएट करते हैं या काम करते हैं टैली में, उसमें दो चीज़ें आपको ज़रूर मिलेंगी, एक तो कमाई और दूसरा खर्चा। इन दोनों के अलावा कुछ और होता नहीं है। तो अगर हम पहले इनकम की बात करें तो दो तरह की इनकम होती है, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। इसी तरह से एक्सपेंसेस की बात करें तो दो तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो इनकम की हम बात करते हैं पहले। डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो सीधे सीधे वही होते हैं जो आपको बिजनेस से मिल रहे हैं। आपका कोई भी काम है, आप सपोज दूध की कंपनी, मतलब कोई अमूल मिल्क जिस तरह की कोई कंपनी चला रहे हैं, कोई मतलब ये नहीं कि बड़ी कंपनी छोटी भी, मेन किया है कि अगर आपका कोई भी बिजनेस है और उससे आपको इनकम हो रही है तो वो आपका डायरेक्ट इनकम में आएगा। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम होती है जो आपको आपके बिजनेस से ना हो करके किसी अदर सोर्स से हो। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि आपका एक गोडाउन है और उस गोडाउन को आप 12 में से सिर्फ 8 महीने इस्तेमाल करते हैं और 4 महीने वो खाली रहता है। तो 4 महीने जब वो खाली रहा तो किसी ने आपसे कहा कि आप हमने गोडाउन 2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए हमें दे दीजिए, उसको इस्तेमाल कर लेंगे और आपको रेंट दे देंगे। तो आपने वो गोडाउन को रेंट पे दे दिया। रेंट पे देना आपका बिजनेस नहीं है, आपका खाली था इसलिए आपने उसको रेंट पे दे दिया। तो एक तरह से अदर सोर्स है ना, तो सोर्स से आपकी इनकम हुई तो उसको हम इनडायरेक्ट इनकम में डालेंगे। इसी तरह से अगर हम कोई दूसरा एग्जांपल लें, सपोज कि आपके यहाँ पे स्क्रैप होता है, मतलब जो कबाड़, कागज़, प्लास्टिक, लोहा, इस तरह का कोई चीज़ जो आपने सेल कर दी और उससे इनकम हो गई, तो वो भी आपकी इनडायरेक्ट इनकम में आएगी। तो ये फ़र्क होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम में। और भी बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं, जो भी सीधी सी डेफिनेशन यही है कि आपको जो भी इनकम आपके बिजनेस के अलावा किसी और सोर्स से हो रही है तो वो आपकी इनडायरेक्ट इनकम में आएगी। नेक्स्ट थिंग होती है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस भी दो तरह के होते हैं, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसमें थोड़ा सा समझना ये होता है आपको, कई बार हम ये नहीं तय कर पाते कि इस एक्सपेंस को हम डायरेक्ट में डालें या इनडायरेक्ट में डालें। तो सीधे से शब्दों में, जैसे कि आपके आपकी जो कंपनी है उसमें आप जो लोग काम कर रहे हैं उनको आप सपोज़ कोई वेजेस आप काम कर रहे हैं, वेजेस को आप मजदूरी दे रहे हैं, या फिर ट्रांसपोर्ट आपका हो रहा है माल का लाना ले जाना, या आप कच्चा माल खरीद करके ला रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगी। यानी कि सीधे सीधे आपका जो माल पे होने वाले खर्चे हैं वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जो खर्चे आपके सीधे सीधे माल पर नहीं होते वो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। जैसे आपने अपनी कंपनी में एम्प्लॉयज़ को किसी फेस्टिवल पे, होली दिवाली पे कुछ एक्स्ट्रा दिया, बोनस दिया या प्रेजेंट दिया या जो भी है, तो वो दिया, तो वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। आप हालांकि दे तो इसीलिए रहे हैं ताकि आपका स्टाफ खुश रहे, आप अच्छे से काम करें, आपके एम्प्लॉयज़ वगैरह वगैरह। तो अगर नहीं देंगे तो ऐसा नहीं है कि आपका माल बनना बंद हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, है ना। तो वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा, मतलब एक ऐसा खर्चा जो करने या ना करने से हमारे एग्जैक्ट बिजनेस पे कोई फर्क ना पड़े, है ना। तो वो चीज़ हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आती है। जैसे सपोज कीजिए कि आपने आपके यहाँ पे कोई कस्टमर आपका आया, है ना, अगर बड़ी कंपनी में है तो आपका कोई एजेंट वगैरह जो भी है वो आए और उनके लिए आपने रिफ्रेशमेंट, कुछ चाय, नाश्ता वगैरह ये कर दिया, तो वो भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा।
आपके ऑफिस में पेन पेंसिल कागज़ ये सब आते हैं, स्टेशनरी परचेज किया आपने, वो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। आपने अपने ऑफिस के लिए कुर्सी मेज वगैरह खरीदी तो वो भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। अब एक चीज़ होती है जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका वहाँ पर भी इस्तेमाल हो रहा है, कारखाने में भी और यहाँ पर भी इस्तेमाल हो रहा है। मतलब यहाँ से और वहाँ से मतलब ये है कि एक तो आपका कारखाने में है जहाँ पर मशीनरी लगी हुई है, जहाँ पर मजदूर काम कर रहे हैं, जहाँ पर आपका प्रोडक्ट बन रहा है। एक दूसरा जहाँ पर ऑफिस है, जहाँ पर डॉक्यूमेंट्री वर्क होता है, जहाँ पर आप बैठते हैं, आपका ऑफिस है, एम्प्लॉय हैं, ये सब कॉलिंग वगैरह का काम होता है, तो वहाँ के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा, और जो आपका फैक्ट्री के लिए होगा वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। इसी तरह से जो आप अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देंगे वो भी आपकी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगी, और जो आप कारखाने में काम करने वाले लोगों को मजदूरी देंगे, वेजेस देंगे, वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। अच्छा, एक चीज़ और होती है कि हम वेजेस को डायरेक्ट एक्सपेंसेस में तब डालते हैं जब हमारी मैन्युफैक्चर कंपनी है और हमारे जो वेजेस हैं वो परमानेंट हैं। अगर ऐसा है कि आपके जो मजदूर हैं वो परमानेंट नहीं है और आपकी नॉन मैन्युफैक्चर कंपनी है, तो आपके जो वेजेस होंगे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे, क्योंकि वो कभी कभी आपके लिए काम करते हैं। ठीक, तो दोबारा बता देता हूँ मैं, जो आपकी वेजेस होते हैं अगर वो परमानेंट हैं तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे, अगर वो परमानेंट नहीं है तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे। ये चीज़ होती है आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कुछ एग्जांपल हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर है इनडायरेक्ट इनकम के, जैसे कि आपने बैंक में पैसा जमा किया और बैंक में पैसा जमा करने के बाद आपको बढ़ करके इंटरेस्ट मिला तो वो आपका इनडायरेक्ट इनकम में आएगा। आपने LIC में पैसा जमा किया, LIC से पैसा आपको वापस मिला, वो भी आपका इनडायरेक्ट इनकम में आएगा। रेंट गेन, जैसे मैंने अभी बताया था आपका कोई गोडाउन है या आपकी कुछ भी है, सवारी है, सपोज ट्रक आपके हैं कंपनी के, आपने इस्तेमाल नहीं आ रही थी तो 2 महीने के लिए किसी को किराए पे दे दिए, तो वो भी आपका रेंट गेन जो है इनडायरेक्ट इनकम में आएगा। और जो अदर इन्वेस्टमेंट है, सपोज आपने अपनी कंपनी में ना लगा करके किसी और कंपनी में किसी और व्यक्ति के लिए थोड़ी सी पार्टनरशिप की और वहाँ से आपने इनकम की, तो वो भी आपकी इनडायरेक्ट इनकम में आएगी। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं, ये तो सिर्फ मैंने 4 बताने के लिए लिखे हैं, एग्जाम्पल हैं, इसके अलावा भी और बहुत सारे हो सकते हैं। आप जब कहीं काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अलावा और क्या क्या खर्चे हो सकते, सॉरी क्या क्या इनकम के सोर्सेज हो सकते हैं। बहरहाल, इससे नेक्स्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में यहाँ पर है सबसे जैसे एडवर्टाइजमेंट। अब चीज़ होती है कि आप कुछ एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, अपने कार्ड छपवाते हैं, बैनर छपवाते हैं, हैं, तो वो एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा होता है वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। सैलरी, जैसे मैंने बताया, सैलरी जो आप अपने ऑफिस के एम्प्लॉय को, डॉक्यूमेंट्री वर्क करने वाले एम्प्लॉयज़ को देते हैं, वो आपकी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आती है। इसी तरह से रिफ्रेशमेंट, मतलब जैसे मैंने बताया कि आपका कोई कस्टमर आया, आपने उसके लिए रिफ्रेशमेंट वगैरह मंगाया, या फिर आपने अपने ही कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ किया हुआ है, ऐसा कभी पार्टी दी वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो रिफ्रेशमेंट में आती हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाला जाता है। इसी तरह से फर्नीचर परचेज जो है, फर्नीचर परचेज भी आपका इनडायरेक्ट इनकम में, सॉरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। अब फर्नीचर परचेज से क्या मतलब है, मतलब अगर ऐसा सोचो कि आपका कुर्सी मेज टेबल ये वगैरह वगैरह इन सब का खरीदने और बेचने का काम है, तो आपका वो फिर सेल परचेज में, यानी कि आपके एग्जैक्ट बिजनेस में आएगा, जिसको जिस वजह से वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा। लेकिन अगर आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हैं, बिजनेस तो है आपका रोड़ी बजरपुर रेत वगैरह का या फिर किसी और चीज़ का, खरीद रहे हैं आप सोफ़ा, तो वो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा इस तरह से। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम मैंने बताया है। एक एक मैं एंट्री इनकी करके दिखा देता हूँ कि आप किस तरह से एंट्री करते हैं, क्योंकि सबकी एंट्री सेम ही है। सॉरी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस रह गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जिसमें ट्रांसपोर्टेशन बताया, ट्रांसपोर्टेशन वही आपका सामान लाना ले जाना, वेजेस जो मजदूरी होती है उसको आप देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आपका लगता है कंपनी में, बिजली मशीन चलती हैं आपकी, फ्यूल अगर आपने जनरेटर वगैरह लगा रखा है तो उसमें जो फ्यूल इस्तेमाल होता है वो भी आपका इसी में आता है। ठीक, मैं आपको टैली में एंट्री करके दिखा देता हूँ। जो हम एंट्री करेंगे वो कैसे करेंगे, आ,
सबसे पहले आप काउंट इनफो में जाएंगे, लेजर्स में जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे। सपोज जैसे कि मैंने सबसे पहले मैं आपको इनडायरेक्ट इनकम की एंट्री करके दिखा रहा हूँ। आपने बैंक बैंक इंटरेस्ट लिया तो उसको बैंक इंटरेस्ट के नाम से ही आप लेजर बनाएं, है ना, ताकि आपको याद रहे कि हमने इसमें लिया था। बैंक इंटरेस्ट आपका आ गया और अंडर में जो आएगा इसका, क्योंकि ये इनडायरेक्ट इनकम है तो उसको हम इनडायरेक्ट इनकम में डालेंगे। ये हमारी होगी इनकम इनडायरेक्ट। यहाँ पर मिल गया हमको, एंटर कर दिया हमने, इनडायरेक्ट इनकम यहाँ पर आ गया। ये इन्वेंटरी वैल्यूज को अभी नो रखेंगे, इसको बाद में देखेंगे क्या होता है। ये हमने यस कर लिया, ठीक है। इसी तरह से एक और हम बना लेते हैं एक्सपेंसेस का। एक एक्सपेंस सपोज हमने वेजेस बना लिया, वेजेस को हमने वेजेस हमारा जो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। और इसी तरह से हमने एक बना लिया सैलरी, सैलरी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये हुआ। अब हम वापस जाएंगे, यहाँ पर आएंगे वाउचर एंट्री में। अब देखिए सीधी सी बात है, अगर इनकम हो रही है तो हम रिसिप्ट में एंट्री करेंगे, और अगर हम खर्चे कर रहे हैं, एक्सपेंसेस कर रहे हैं, तो पेमेंट में एंट्री करेंगे। तो पहले हम पेमेंट की देख लेते हैं। हमने सपोज कैश के थ्रू खर्चा किया है, अगर बैंक के थ्रू है तो बैंक के थ्रू भी आप कर सकते हो। जैसे हमने सपोज सैलरी दी, तो सैलरी हमने यहाँ से ले लिया, और सैलरी सपोज हमने 1,00,000 रुपये दी है, और यहाँ पे हमने वेजेस भी डाल दिया, क्योंकि दोनों खर्चे हैं तो हम यहाँ पे दोनों को इस तरह से डाल सकते हैं। आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं, एक बार सैलरी की कर दें और एक बार वेजेस की कर दें, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। वेजेस जो है हमारा सपोज 50,000 का जाता है, ये हमने सेव कर दिया, ठीक। अगर हम इनकम की बात करें तो उसकी एंट्री रिसिप्ट में होगी। अगेन यहाँ पर हमारा कैश अकाउंट आ जाता है। हमने बैंक इंटरेस्ट का बनाया था तो हमने यहाँ से बैंक इंटरेस्ट ले लिया, और बैंक इंटरेस्ट में हम यहाँ पे सपोज हमें जो बैंक इंटरेस्ट मिला है वो 40,000 मिला है, 40,000 हमने बैंक इंटरेस्ट लिया। कोई और अगर आपको आपने इनडायरेक्ट इनकम का बनाया होगा तो डाल सकते हैं, बाकी आप डायरेक्ट इनकम के जितने भी सोर्सेज हैं वो तो डायरेक्ट रिसिप्ट में कर ही देते हैं। कितने आपको पेमेंट मिली उसकी एंट्री आप पार्टी के थ्रू जितनी भी मिली उसकी आप रिसिप्ट में एंट्री कर देते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे नरेशन डाल दीजिए, बैंक इंटरेस्ट कब मिला, कितना मिला, कैसे मिला, यहाँ पे भी आप डाल सकते हैं नरेशन में। एफ टू से डेट डाल दीजिए और उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। तो ये आपकी होती है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम, इनकी एंट्री। इसकी जो नोट्स हैं वो आपको ब्लॉग पे मिल जाएंगे, ब्लॉग पे जाकर के आप इसको रिटर्न में ले सकते हैं। मैं उसका एड्रेस आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि सेल और परचेज की एंट्री किस तरह से करते हैं। देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए, सीखते रहिए।